स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? ऐसी टेक्निक जिसकी सहायता से एक मिक्सर में उपस्थित कंपोनेंट्स को हम प्यूरिफाई करते हैं, वो क्या है? क्रोमेटोग्राफी। यहाँ है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये आयन एक्सचेंज पे बेस्ड होती है क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि आयन्स का जो सेपरेशन है वो आयन्स को रिप्लेस करके होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दो टाइप की होती है। एक होती है एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है केटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। एनायन हम किसको कहते हैं? आपको पता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एनायन्स। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उनको हम कहते हैं केटायन्स। तो अगर एनायन्स का सेपरेशन हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एनायन एक्सचेंजर, और अगर केटायन्स का सेपरेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे हम, या पॉजिटिव चार्ज्ड आयन्स का सेपरेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे केटायन एक्सचेंजर। अब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये देखते हैं लैब में। इसमें एक जैसे ये बोतल होती है, इस बोतल में हम क्या करते हैं, जो भी मोबाइल फेज होती है उसको लेते हैं, और साथ में वो जो बफर है मोबाइल फेज का, उस बफर में हम हमारा सैंपल डाल देते हैं, जो भी मिक्सर होता है जिसमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेपरेट करना, प्यूरीफाई करना है, उनको हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे एक कॉलम होता है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस कॉलम में हम रेजिन डाल के इस कॉलम को क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। इस रेजिन से इस कॉलम को क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। यहाँ पे ये जो रेजिन होती है, अगर मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन है तो ये किस में यूज होगी? एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। एनायन एक्सचेंजर क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज्ड जो रेजिन होती है उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन के साथ में फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये हो गया कॉलम। अब सैंपल को हम यहां से इसमें लोड करेंगे, इसमें सैंपल को डालेंगे, तो ये सैंपल यहां से मूव करेगा। इसमें ये क्या है? स्टेशनरी फेज है, वो क्या है? रेजिन है, बीड्स हैं इसके। और यहां पे जब सैंपल को मोबाइल फेज को लिक्विड फॉर्म में इसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे, तो ये यहां से होता हुआ मूव करेगा। अब इस सैंपल में हमारे, क्योंकि अगर हम प्रोटीन को मान लिया कि सेपरेट कर रहे हैं, प्रोटीन को हमें प्यूरीफाई करना है, तो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है, और एमिनो एसिड्स कुछ हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब कुछ क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये एमिनो एसिड्स पे डिपेंड करती है प्रोटीन का नेचर कौन सा है। अगर ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स हैं जिस प्रोटीन में, वो क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, और जिसमें ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स हैं तो पॉजिटिव नेचर की होगी। अब अगर हमें ऐसी, इस सैंपल में हमारे पास ऐसी प्रोटीन है जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ हमें उन एनायन्स को का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, क्योंकि हमारे सैंपल में जो नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, इनके साथ कंपटीशन करेंगे, क्योंकि रेजिन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों नेगेटिव में,
जो रेजिन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच था नेगेटिव, और जो हमारे सैंपल में नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स हैं वो इसके साथ क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, और ये बॉन्ड क्योंकि यहाँ हम वीक लेते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा। ये डैश वाले हैं ये यहाँ पे, और ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप थे वो नीचे निकल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब ये बाहर निकलेंगे तो यहाँ एक डिटेक्टर लगा होता है जो इसे डिटेक्ट करेगा, और इसे एक कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, तो कंप्यूटर पे हमें इसका ग्राफ मिलता रहेगा। तो इस अगर तो ये हमने कहा नेगेटिवली चार्ज्ड अगर सेपरेट हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। इसी की जगह अगर ऐसी प्रोटीन थी जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स अगर ज़्यादा हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी उस कंडीशन में रेजिन पे चार्ज कैसा होगा, हम किस टाइप की रेजिन लेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा रेजिन पे, और रेजिन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ हमारा जो सैंपल आएगा वो उसमें पॉजिटिव आयन्स होंगे तो वो इस नेगेटिव के साथ में अट्रैक्ट होंगे, और इन दोनों पॉजिटिव के सैंपल में जो कंपोनेंट्स हैं और जो रेजिन के फंक्शनल ग्रुप हैं इनके बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, और ये यहाँ से हट जाएंगे इसको, और ये इनकी जगह ले देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ से डिटेक्टर से डिटेक्ट होकर के यहाँ हमें कंप्यूटर पे इनका ग्राफ मिल जाएगा। अब इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के चार स्टेप होते हैं। सबसे पहला है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ पे ये देखते हैं कि कोलम में हमने जो रेजिन भरी है वो अच्छे से कॉम्पैक्टली ये पैक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका ग्राफ हमें यहाँ मिलता है। अगर सबसे पहले हमें एक ग्राफ में बिल्कुल ऐसे स्लिपिंग लाइन मिल रही है, इसका मतलब है ये क्या है, अच्छे से कॉम्पैक्ट है, ये जो अपना ट्यूब है वो कॉलम है वो अच्छे से भरा हुआ है रेजिन से। अगर ये हमें स्लीपिंग लाइन ऐसे नहीं मिलती है तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में क्या होगा, दूसरी स्टेप होती है लोडिंग, तीसरा है वॉशिंग। वॉशिंग करेंगे हम तो यहाँ पे हम इसको जब वॉश करेंगे तो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं या जो भी यहाँ पे और कंपोनेंट्स हैं वो जो यहाँ पे अटैच नहीं हुए हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में चौथी स्टेप होती है इल्यूशन। यहाँ पे हम एक इल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, उसकी सहायता से ये इल्यूट आउट हो जाएंगे हमारे जो भी हमें कंपोनेंट थे सैंपल के। वो कैसे होंगे, हम ये इल्यूजन है वो दो टाइप के, इल्यूजन सॉल्यूशन है वो दो टाइप का लेते हैं। एक होता है सोल्ट और दूसरा पीएच के बेसिस पे लेते हैं। जो आयन्स हैं वो हमें सॉल्यूशन में लेंगे ताकि वो उसके साथ में बाइंड होकर के इल्यूट आउट हो जाएंगे, और इल्यूट होंगे तो हमें वापस क्या होगी, ऐसा पीक मिलेगा। पीएच के बेस पे हम ऐसे लेंगे क्योंकि एमिनो एसिड्स का क्या होता है, एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, तो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो क्या करते हैं, ना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ना ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे सैंपल का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है पीआई है, मान लिया ये चार है, तो हम यहाँ पे जो इल्यूशन जो सॉल्यूशन लेंगे उसका भी पीआई कितना होना चाहिए, चार होना चाहिए, तो वो उसके साथ में लेंगे तो उसके साथ इल्यूट आउट हो